अगर पूछा जाए आपसे हैप्पीएस्ट डे ऑफ योर लाइफ, आपके जीवन का सबसे खुशनुमा पल, आप सोचे पड़ जाएंगे, मगर मैं अर्ध निद्रा में बता पाऊंगा, क्योंकि वो है अपने सबसे प्रिय को खोकर पाने की खुशी, बिछुड़कर मिलने की खुशी, गमों के तूफान के बाद खुशी के आंसुओं की बरसात। कभी नहीं चाहूंगा फिर भी कि उस सबसे खुशनुमा पल से दोबारा हो मेरा सामना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका जेके। बात काफी पुरानी हो गई, मैं अपनी 6 वर्षीय बेटी जागृति के साथ मुंबई में जूही चौपाटी के समुद्र किनारे पर सूर्यास्त का आनंद उठा रहा था। घटनाक्रम को आगे बढ़ाने से पहले ये बता दूं कि जागृति ऑटिज्म नामक मानसिक रोग से प्रभावित है। उन दिनों उसके पास अपने को व्यक्त करने के बहुत सीमित शब्द थे और बहुत सीमित वार्तालाप समझ पाती थी। काफी समय तक हम रेत पर चल कदमी कर समुद्री पानी के लहरों और छींटों का आनंद लेते रहे। उसकी खुशी उसके चेहरे पर मंद मुस्कान से मैं महसूस कर पा रहा था और स्वयं भी आनंदित हो रहा था। अचानक शाम ढलने का एहसास हुआ और हम तेजी से जुहू बस स्टैंड की ओर बढ़ने लगे। वहाँ काफ़ी लोग बस का इंतजार कर रहे थे, वे अपनी बस को दूर से देखते ही उस ओर भागने लगते। काफ़ी इंतजार के बाद हमारे घर की ओर जाने वाली बस दिखी और प्रतीक्षा में खड़े कई लोग बस की ओर लपके। आपको ये बता दो कि मुंबई की बसों में आम आदमी को पिछले दरवाजे से प्रवेश करना होता है। सामने का दरवाजा विकलांग व्यक्ति एवं वरिष्ठ नागरिक के प्रवेश करने एवं सभी को उतरने के लिए इस्तेमाल होता है। पिछले दरवाजे के धक्का मुक्की देख हम दोनों सामने के दरवाजे से चढ़ गए। चूंकि जागृति की विकलांगता दिखती नहीं, हमें देखते ही चालक जोर जोर से चिल्लाने लगा। काफी समझाने पर भी वो जिद पर अड़ा रहा और मुझे पिछले दरवाजे से आने को कहता रहा। थक हार कर जागृति को वहीं बैठी महिला के पास खड़ा कर दिया और उसे थोड़ी देर के लिए संभालने का अनुरोध किया। साथ जागृति को भी वहीं खड़ी रहने के लिए समझाने की कोशिश की। जाते जाते चालक को बताया कि मैं उसकी संतुष्टि के लिए पिछले दरवाजे से वापस आ रहा हूं, वह मेरी बेटी को ना उतारे। फिर मैं तेजी से बस के नीचे उतरा और भागता हुआ भीड़ को चीरता बस के पिछले दरवाजे के हैंडल से लटक गया। बस आगे बढ़ने लगी, बड़ी मुश्किल से लोगों को हटाता हुआ सामने पहुंच पाया। सामने जागृति को ना देख दिल अनजाने भय से जोर जोर से धड़कने लगा। मैं बहुत तेजी से लपका और उस महिला से जागृति के बारे में पूछा। वह चेहरे पर बिना भाव के मूर्ति की तरह मुझे देखती रही चुपचाप। जैसे मैंने चालक को पूछा, पीछे से कंडक्टर जोर जोर से कहने लगा, ऐसे बच्चे को घर पर रखने का, टैक्सी में ले जाने का। मैं पीछे मुड़कर यात्रियों को देखते हुए कई बार जागृति का नाम पुकारा मगर कोई उत्तर नहीं मिला। मेरे कहने पर बस धीमी हुई और मैं जल्दी से बाहर कूद गया। उतरते ही मैंने आगे बढ़ती बस की खिड़कियों में झांकने की कोशिश की मगर आशा की कोई किरण नजर नहीं आई। बिना समय गवाए ईश्वर का स्मरण करते हुए मैं बस की उल्टी दिशा में भागने लगा। दिमाग कई दिशाओं में भाग रहा था। एक मन यह भी कह रहा था कि शायद जागृति उसी बस में जगह देकर कहीं बैठ गई होगी। इच्छा हुई कि पत्नी को फ़ोन करूं और उसे घर के पास वाले स्टैंड पहुंचकर बस को फिर से देखने के लिए कहूं। फिर यह सोच रुक गया कि वह ज़्यादा परेशान हो जाएगी और रोना धोना शुरू कर देगी। भागता भागता मैं जूही बस स्टैंड पहुँचा। प्रकाश काफ़ी कम था और भीड़ पहले से अधिक हो चुकी थी। मैं लोगों का ध्यान अपने ओर आकर्षित करने के लिए तेज आवाज में कहने लगा, मेरी बच्ची खो गई है, 6 वर्ष की है, गुलाबी कमीज में है, चश्मा पहनी है। मगर किसी के पास मेरी ओर ध्यान देने का समय नहीं था। सबों का ध्यान अपनी बस में लगा था। मेरी अवस्था पागलों जैसी हो रही थी। मैं एक एक को रोकता, गिड़गिड़ाता, भाई साहब, बहन जी, मैम, सर, क्या आपने गुलाबी शर्ट में इतनी बड़ी बच्ची को देखा है, इतनी बड़ी है। मगर सभी बहुत जल्दीबाजी में थे, कोई मुझे देख नहीं रहा था। मैं खुद महसूस कर रहा था जैसे लोगों से मैं भीख मांग रहा था या फिर सामान बेचने का आग्रह कर रहा था। कुछ लोग आपस में बात भी कर रहे थे कि मुझे पुलिस में रिपोर्ट लिखानी चाहिए। एक साहब थोड़ी तेज आवाज में कह रहे थे, भैया ये तो मुंबई है, यहाँ की भीड़ में जो एक बार खो गया जिंदगी भर नहीं मिलता, यहाँ बदमाशों की कमी भी तो नहीं है। लोगों की बातें सुन मेरा दिल बैठने लगता। फिर सोचता, मैंने छोटे बच्चे को बहुत प्यार दिया है, ईश्वर मेरी बच्ची के लिए इतना निर्दयी तो नहीं हो सकता, दुनिया में अच्छे लोगों की कमी भी तो नहीं है। उस जगह से कहीं और जाने की इच्छा नहीं हो रही थी। जब भी पुलिस के पास जाने की सोचता, मन मुझे रोक लेता और कहता, जागृति यहीं कहीं पे है। फिर से उसे तलाशने लगता। काफ़ी समय तक उसे भीड़ में ढूंढता रहा, खड़े लोगों से पूछता रहा। काफ़ी निराश हो गया मैं, बुरे विचारों से मेरी घबराहट बढ़ने लगी। विचार आया, शायद किसी बस में बैठ गई कि चली गई होगी या फिर कोई बहका कर उसे ले गया होगा। हताश होकर मैं रिपोर्ट लिखाने के लिए पुलिस चौकी की दिशा में काफ़ी तेजी से बढ़ने लगा। बड़े ही दुख और नाराजगी के साथ मैं ऊपर आकाश की ओर देखा, तभी पीछे से किसी ने मेरी उंगली पकड़ी और आवाज़ आई, पापा।
मैं तेजी से मुड़ा, सामने जागृति थी। मैं उससे लिपट कर बिलक बिलक कर रोने लगा, मानो कोई बच्चा अपनी माँ से लिपट कर रो रहा हो। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, वह मासूम स्थिति की गंभीरता से अनजान दोहराई जा रही थी, बस में जगह नहीं है, लाइन बनाओ। मेरी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। इस तरह बिछुड़ने के बाद मिलने की खुशी से बड़ी खुशी हो ही नहीं सकती, वो मेरी खुशी के आंसू थे। आज भी जब उस घटना को याद करता हूँ दिल दहल जाता है। फिर प्यार से जागृति को देखता हूँ, चुपके से आंखों से खुशी के दो बूंद टपक जाते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा विछोह, मिलन और खुशी के आंसुओं से भरा एक संस्मरण। सुनने के लिए सहृदय आभार व्यक्त करता हूँ आप सबका। सादर नमस्कार।